पहले बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। चुनाव को लेकर बीजेपी का प्रचार तेज है। आज करनाल में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली होने जा रही। करनाल के तड़ावनी में रैली का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रैली में शिरकत करेंगे। सुबह करीब 11 बजे रैली में पहुंचेंगे सीएम सैनी। इस दौरान बीजेपी के पक्ष में लोगों से वोट की अपील करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। करनाल के तरावड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद रैली का आयोजन होने जा रहा है। सुबह करीब 11 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां पहुंचेंगे। करनाल के तरावड़ी में होगा रैली का आयोजन और इस दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता यहां जुटेंगे और लोगों से पार्टी के हक में वोट की अपील करेंगे। सभी का प्रचार तेज है चुनाव को देखते हुए। सुबह 11 बजे रैली में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। और मेरे साथ मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग फोन लाइन पर मौजूद हैं करनाल से। हिमांशु, आज जन आशीर्वाद रैली करनाल में होने जा रही है। तरावड़ी में सुबह 11 बजे के करीब मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। क्या तैयारी है रैली को लेकर हिमांशु? क्या माहौल है चुनाव को लेकर? तमाम चीजें तफसील से बताइए। देखिए, जन आशीर्वाद रैली है करनाल के तरावड़ी में। ये नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। अभी ये जो सीट है वो विधायक जो है यहाँ से वो निर्दलीय विधायक है। पहले उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया, अब उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे रखा है धर्मपाल गोंदर। और ऐसे में बीजेपी पार्टी चाहती है कि वो इस सीट पर जीत हासिल करे और मजबूती के साथ अपने दावेदारों को फ्रंट में करती हुई नजर आ रही है। 11:30 के आसपास सीएम नायब सिंह सैनी यहाँ पर पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में अलग अलग हलकों में उनकी जनसभाएं हो रही हैं। ऐसे में करनाल के नीलोखेड़ी विधानसभा हलके के तरावड़ी में उनकी आज जनसभा है। क्या क्या मुद्दे रखते हैं, क्या क्या बातें रखते हैं, क्योंकि जो उनका विधानसभा क्षेत्र है करनाल वो भी ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में जो उन्होंने कामकाज किया है न सिर्फ करनाल के लिए बल्कि जो पूरे प्रदेश के लिए काम हुआ है बीजेपी सरकार की तरफ से किया गया है उसका बखान करते हुए नजर आएंगे। जाहिर है चुनावी मौसम है हिमांशु, ऐसे में वार पलटवार का भी सिलसिला तेज है और रैलियों के जरिए भीड़ जुटाने की कवायद भी तेज है। क्या लगता है हिमांशु, किस तरह की रैली हो सकती है आज बीजेपी के करनाल के तरावड़ी में? देखिए, मन से अक्सर सीएम नायब सिंह सैनी निशाना साधते हुए नजर आते हैं। आज भी जाहिर सी बात है विपक्षी पार्टियों पर उनको निशाना भी साधेंगे, उन्हें घेरते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि उनका संबोधन तमाम लोग सुनना भी पसंद करते हैं और उनके संबोधन में न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि बाकी पार्टियों के खिलाफ भी जो कटाक्ष होता है वो देखने को मिलता है। तो ऐसे में जब रैली होगी और सीएम नायब सिंह सैनी बोलेंगे तो उनके संबोधन पर भी ध्यान रहेगा और चर्चा रहेगी। शुक्रिया हिमांशु, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।